आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महिंद्रा की आने वाली नई स्कॉर्पियो का लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं ड्राइव फॉर पीस। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस गाड़ी को कई बार टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये स्कॉर्पियो का थर्ड जनरेशन है। आप में से कई लोग नई स्कॉर्पियो का काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे। इस गाड़ी को कई लाख किलोमीटर चलाने के बाद फाइनली महिंद्रा इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। अगर आपने इस गाड़ी के इंटीरियर वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये सभी वीडियो और फोटो ओरिजिनल है, चाहे वो एक्सटीरियर की हो या इंटीरियर की। इस वीडियो में जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये कंपनी का फाइनल प्रोडक्शन है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो ही है थर्ड जनरेशन, और पहले के मुकाबले इस गाड़ी को एक नया लुक दिया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आपको LED टेल लैंप का अच्छा खासा सेटअप मिल जाता है, वहीं डिफॉगर के साथ वाइपर मिल जाते हैं। साथ ही रूफ पर आपको शार्क फिन एंटीना, साथ ही रूफ पर आपको नई स्कॉर्पियो में इस बार इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। और वहीं महिंद्रा की स्कॉर्पियो की शान है रूफ रेल। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको R17 और 18 इंच टायर का ऑप्शन मिल जाता है। इस बार नए स्कॉर्पियो में आपको काफी अट्रैक्टिव अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी के फ्रंट में आपको नया ग्रिल मिलता है, वो भी महिंद्रा के नए लोगो के साथ। वहीं साइड में आपको ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, और वहीं नीचे आपको फॉग लैम्प के साथ DRL का ऑप्शन मिल जाता है, जो इसके लुक को काफी अग्रेसिव बनाता है। तो लग रही है ना ये पुरानी स्कॉर्पियो से काफी अलग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर नई गाड़ियों एंड बाइक के अपडेट्स लेकर आता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ।